एक तरफ हो रही थी घर पर छठ पूजा की तैयारी, दूसरी तरफ अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बदमाशों ने दो युवकों को घेर कर जमकर किया गोलियों की बौछार, एक को मौके पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरे को गोलियों से भूना। जी हां, बिहार राज्य के सिवान में फिर से अपराधियों का आतंक बढ़ गया है। बता दें, सिवान में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर के रहने वाले रंजीत यादव की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। मंगलवार की रात 9 बजे के करीब रंजीत यादव अपने घर से निकले थे। इस घटना में एक युवक घायल है, इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया है। पुलिस रात 10 बजे के करीब में डायल 112 की गाड़ी से सदर अस्पताल में शव लेकर पहुंची, जहां एक अन्य युवक पप्पू यादव जो लखराव का रहने वाला है उसको भी गोली लगी है, साथ ही साथ उसकी स्थिति गंभीर है। इस कारण उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। हत्या किसने की है और किस कारण से की है, ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस नौतन थाना क्षेत्र के बलवा के पास से सुजीत यादव और पप्पू यादव को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टरों ने सुजीत यादव को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही अन्य लोगों को मिली, गांव के लोगों को मिली, सभी सदर अस्पताल में पहुंच गए। शव के आसपास इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र प्रभारी अशोक कुमार दास ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल के जवान घटनास्थल और सदर अस्पताल में पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किसने हत्या की है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। छठ पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, फिर भी अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं।